खाने में प्यूरिन से भरपूर चीजें शामिल करने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। वैसे तो नेचुरली शरीर से यूरिक एसिड निकलता रहता है, लेकिन कई बार यूरिक एसिड हाई होने पर ये क्रिस्टल्स के रूप में जोड़ों में जमा होने लग जाता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लग जाती हैं। क्रिस्टल्स के रूप में जमा यूरिक एसिड जोड़ों में दर्द का बड़ा कारण बनता है। इससे हाथ पैरों में सूजन आने लगती है। ऐसे में डाइट से हाई प्यूरिन वाली चीजें और सब्जियां खाने से हटा देना चाहिए, क्योंकि शरीर में यूरिक एसिड का हाई होना एक खतरनाक स्थिति है। इस बीच काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि उन्हें क्या अरबी की सब्जी से परहेज करना चाहिए। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि हाई यूरिक एसिड में अरबी की सब्जी खानी चाहिए या नहीं। दरअसल यूरिक एसिड में अरबी खाने से मना किया जाता है, क्योंकि इसमें प्यूरिन होता है जो कि यूरिक एसिड की समस्या को बढ़ा सकता है। साथ ही ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी प्रभावित करते हैं, जिससे यूरिक एसिड के लक्षण बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यूरिक एसिड के मरीजों को अरबी का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरबी की सब्जी के सेवन से यूरिक एसिड का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप अरबी की सब्जी खाते हैं तो आपको जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या भी हो सकती है। इसलिए यूरिक एसिड के मरीजों को अरबी की सब्जी से परहेज करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।